अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़ वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल। इट इज द 30th मैच ऑफ वर्ल्ड कप टुडे एंड द वर्ल्ड कप इज क्रूजिंग रियली फास्ट बट अ बिट स्लो फॉर अस बिकॉज ऑब्वियसली हमारी टीम की जो भी परफॉर्मेंस रही उसके हिसाब से। बट येस, अदर टीम्स आर प्रोग्रेसिंग एंड अदर टीम्स आर शोइंग दैट टैलेंट। और कल जिस तरह का हमने एक मुकाबला देखा वेयर इंडिया एंड इंग्लैंड वर फेसिंग ईच अदर, नहीं करेगी बैटिंग तो बॉलिंग कर गुजरेगी। इंडिया इस वक्त बड़ी सॉर्टेड टीम लग रही है, उस मैच के हवाले से ज़रूर बात करेंगे बिकॉज एक बहुत छोटा टारगेट था और उस छोटे टारगेट के बावजूद दे वन इट बाय द मार्जिन ऑफ 100 रन्स, तो उसके हवाले से तो बात करेंगे। मगर साथ ही साथ आज श्रीलंका और अफगानिस्तान पुणे में एक दूसरे के आमने सामने होंगे। अफगानिस्तान ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया। कैन अफगानिस्तान डू इट अगैन? कैन अफगानिस्तान चैलेंज अनदर टेस्ट नेशन? इट वॉज फर्स्ट इट वॉज अफगानिस्तान वर्सेज इंग्लैंड, देन अफगानिस्तान वर्सेज पाकिस्तान। कैन दे चैलेंज श्रीलंका? ये बनता है आज का सबसे बड़ा सवाल। मगर ये सारी बातें तो हैं क्रिकेट की, क्योंकि वर्ल्ड कप हो रहा है, सारी दुनिया इस वक्त वर्ल्ड कप खेल रही है। मगर पता नहीं पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो वर्ल्ड कप नहीं खेल रहा और बहुत सारी चीज़ें साथ साथ खेल रहा है। उन सारी चीज़ों के हवाले से होगी आज यहाँ डिस्कशन इस प्लेटफॉर्म पे। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है उमर बशीर और हमारे साथ मौजूद हैं स्पार्क। सवेरा, आपने कहा कि हमारे तो वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, उसके साथ और भी बहुत सारे खेल जा रही हैं, तो हमारे दिलों के साथ भी शायद खेला जा रहा है। हमारे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो फैंस हैं उनके जज्बात के साथ भी खेला जा रहा है। इन तमाम मैचेस के हवाले से बात करेंगे। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले हमें ज्वाइन किया है बूम लाला शाहिद खान आफरीदी ने। लाला, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। मुशी भाई, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये जो मुस्कुराहट है हारने के बाद भी, कल आपको एक बात बता दें कि सिर्फ इंग्लैंड ही नहीं हारा, यहाँ पर बैठा एक और शख्स एक मरतबा फिर से हार गया, लेकिन उसके बावजूद फिर वो मुस्कुरा रहे हैं, तो क्या गम है जिसको छुपा रहे? क्या है कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? तो ये असल गम मैं छुपाता हूँ, क्योंकि कई बार हंसी के पीछे भी कोई गम होते हैं। हाँ। और तगड़ा आदमी वही है जो अपने गमों को छुपा के लोगों को मुस्कुरा। मुशी भाई, इसलिए तो कहते हैं कि हर शाम का सूरज तुझे ये दर्स देता है मुशी कि मगरिब की तरफ जाओगे तो डूब जाओगे। अरे भाई, ये क्या हो गया है लाला? अच्छा लाला, यही तरीके के और भी तरीके हैं? मुशी भाई के बड़े तरीके हैं, यही मुशी भाई को कहीं से भी आप पकड़ सकते हैं, गिट्टे रह गए गिट्टों से पकड़ दो। फॉर्मर क्रिकेटर पीजे मीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। पीजे मीर साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। थैंक यू जी जनाब। तो यस, श्रीलंका एंड अफगानिस्तान आर इन एक्शन, बट यस एक्शन में और बहुत सारी चीज़ें हैं। लाला, आप ही से शुरू करूंगी बिकॉज यस यहाँ हो रहा है एक वर्ल्ड कप, मगर पाकिस्तान में और बहुत कुछ हो रहा है। कल से जो न्यूज़ गर्म होना शुरू हुई है और ये बात वो बात, मतलब कल एक इंडियन टैबलॉइड है जिसने, टैबलॉइड नहीं है, एक स्पोर्ट्स वेबसाइट है, उस स्पोर्ट्स वेबसाइट ने भी ये क्लेम किया कि एक सीनियर पाकिस्तानी प्लेयर ने सोर्सेज के साथ उनको ये बताया कि इट इज़ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो कि अनरेस्ट पैदा कर रही है टीम पाकिस्तान में। ये खबर आई, हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, एक इंडियन वेबसाइट की खबर है, वो शायद तूल दे रहे हैं मामले को ये। बट देन उसके बाद फिर जब हमारे मीडिया पे कुछ चीज़ें ऐसी शुरू हुई और जो चीज़ें सामने आई, दैट चैट लीक एंड दैट स्क्रीनशॉट कमिंग आउट ऑफ बाबर्स प्राइवेट चैट विदाउट हिज कंसेंट, आई एम हैप्पी दैट अजहर अली ने वहाँ स्टैंड लिया और अजहर अली ने ये बात की कि क्यों ये कंसेंट के बगैर बाहर आई है, बिकॉज हमें इन रूल्स एंड रेगुलेशंस पे चलना पड़ेगा। एंड देन द अपोलॉजी कमिंग आउट फ्रॉम दैट होस्ट ऑफ दैट शो एंड टेलिंग दैट द चेयरमैन PCB प्रोवाइडेड दिस स्क्रीनशॉट टू द सो कॉल्ड जर्नलिस्ट। लाला, ये तो चीज़ें बहुत हाथ से निकल गई। सवेरा, मैं तो इसको कहूँगा सॉरी टू से कि घटिया हरकत, बहुत ही घटिया हरकत है, इस तरह की हरकतें नहीं की जाती। हम अपने मुल्क को ख़ुद ही बदनाम कर रहे हैं, हम अपने प्लेयरों को ख़ुद ही इतना बदनाम कर रहे हैं, उनको गलत कि किसी के साथ प्राइवेट मैसेज हो, किस तरह दिखा सकते हैं इस तरह टीवी पे, और वो भी हमारे कप्तान की, बिल्कुल बाबर आजम की। बिल्कुल, उससे पहले चल रहा था कि चेयरमैन को कॉल्स वगैरह की गई हैं, ठीक है, चेयरमैन को कॉल, किसी प्रोग्राम के अंदर मैंने सुना था, मेरे ख्याल में राशिद भाई ये बात कर रहे थे, राशिद भाई ने ये बात की थी कि चेयरमैन साहब को कॉल कर रहा है बाबर, लेकिन चेयरमैन साहब नहीं उठा रहे फोन, बाबर कॉल किए जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में उस चीज को काउंटर करने के लिए
ये एक खेल खेला गया कि भाई इतनी जरूरत पड़ गई कि आपने स्क्रीनशॉट दे दी। ये हरकत करने की जरूरत क्या है, और कोई ये तरीका है हरकत करने का? और जिस तरीके से इसको मीडिया में लेके आया, कौन? शोएब जट लेके आया? क्यों लेके आया शोएब जट? क्या वजह है? क्या उसको चेयरमैन ने कहा था कि ये सारी चीजें सामने लेके आ जाओ? वसीम बदामी यही कह रहा है, बिल्कुल यही कह रहा है। आई मीन क्या हरकत है, किस लेवल पे हरकत है ये? अगर चेयरमैन ने भी हरकत की है, चेयरमैन से ये हरकत हुई है या की है, आई एम वेरी सॉरी, ये बहुत घटिया हरकत है ये जिसने भी की है। इस तरह चीजें नहीं होती। हाँ, चेयरमैन खुद बात करे, और चेयरमैन खुद ये बात करे और बताए कि भाई मुझे तो बाबर की कोई कॉल, उससे शोएब जट उससे ये सवाल पूछते चेयरमैन साहब से कि आपको बाबर आजम की कोई कॉल वगैरह आई? हाँ, बताया उन्होंने, he spoke about it. हाँ, बताया, बात कर दी थी। यस, तो बात जब कर दी थी, आप प्राइवेट मैसेजेस कैसे दिखा सकते हो? आपको क्या जरूरत है गिवन प्रूफ ऐसे निकालने की? और चेयरमैन अगर कहेगा, कोई बात कहेगा, तो चेयरमैन बात कर रहा है ना कि मुझे कोई मैसेज, और चेयरमैन क्यों फोन नहीं उठाएगा बाबर का? वो बाबर की बड़ी रिस्पेक्ट भी करते हैं। हाँ। चेयरमैन साहब की मुझे, मैंने काफी दफा बाबर आजम की बड़ी तारीफ सुनी है, अभी भी की है उन्होंने। हाँ। लेकिन इस चीज को सामने ला के शोएब जट ने इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए थी, हम अक्सर बात करते हैं कि आपके इर्द गिर्द आपके मुशीर बहुत अच्छे होने चाहिए, आपके एडवाइजर्स बहुत अच्छे होने चाहिए। कभी कभार जब आप नेगेटिव एडवाइजर्स के इर्द गिर्द होते हैं तो यू स्टार्ट डूइंग थिंग्स नेगेटिवली। मे बी दैट हैज हैपेंड व्हाट हैपेंड यस्टरडे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक शाहद ने तो अच्छे ब्लंटली ये बात कर दी है कि जी ऐसा नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा, वो लोग कभी भी ज़िंदगी में कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते जो अपने सर्वाइवल की जंग लड़ते हैं। वो कभी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में इम्पैक्ट नहीं डाल सकते जो सर्वाइवल की जंग लड़ते हैं। और सर्वाइवल की जंग लड़ते हुए आप पाकिस्तान के कप्तान के बारे में ऐसे लीक करते हो या उनकी अपने कॉन्फिडेंशियल चीज़ें आप बताते हो, इस वक्त तो दो तरह के आदमी जिंदगी में कभी किसी इंसान को नहीं भूलते। बाबर आजम विल रिमेम्बर एवरी सिंगल पर्सन राइट नाउ। एग्जैक्टली। पता कौन से? हाँ। जो मुश्किल वक्त में जो आदमी हाथ को थामता है और जो मुश्किल वक्त में हाथ को छोड़ने वाला, दोनों आदमी कभी नहीं इंसान को भूलते। अब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ये किसका है? ये प्लेयरों का है। प्लेयरों को इस वक्त, मैं यहाँ पे बैठे, शायद बैठे, पीजे साहब बैठे, आप लोग उड़ाए, जो मर्जी बात करें, हम ये हमारे प्रोग्राम के ऊपर हमने कब अपने प्लेयरों को कब उड़ाया? हमने अगर कोई क्रिटिसाइज भी किया तो उनकी परफॉर्मेंस पे किया, किसी के पर्सनल जिंदगी के बारे में तो हम डिस्कस ही नहीं कर रहे। बिल्कुल। अब बाबर आजम हमारा हीरो है, वो पाकिस्तान का कप्तान और है और रहेगा। अगर हम नहीं भी है, जो मर्जी, इस वक्त वो कप्तान है ना। बिल्कुल। आपके, मैं, अपने घर वाले अगर आपको ऑन नहीं ना करते तो यू आर टेलिंग पीपल यू कैन थ्रो स्टोन्स टू माई फैमिली। सिंपल सी बात है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये बड़ी डिसअपॉइंटिंग चीज है। हमारे प्लेयर के ऊपर हल्का सा वो को बेचारे आउट ऑफ द बॉक्स या आउट ऑफ द कोई बात कर लेते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट से, तो उनको शॉक ऑफ नोटिस आ जाते हैं। तो ये कितनी अच्छी बात नहीं है, ये मॉरली बड़ी गंदी बात है। छोड़े आप किसी चीज को, ये मॉरली किसी की बात नहीं है कि मेरी किससे बात होती है, क्या नहीं बातें होती। आप या याद रखिएगा कि ट्रस्ट लेवल खत्म हो जाएगा। प्लेयर अपने लिए अपने लिए खेलेंगे, फिर वो पीसीबी के लिए नहीं खेलेंगे। तो इसलिए ये बहुत अफसोसनाक बात है, और इस वक्त ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए, स्पेशली जितना वो हमारी टीम बुरी बेचारी से परफॉर्मेंस हो रही है। इस वक्त तो उनको सपोर्ट की जरूरत है। लेट्स सी व्हाट हैपन। तीन मैचों के बाद अगर खुद अल्लाह करे, मैं दुआ करता हूँ, अब अल्लाह करे ये कहीं से इफ एंड बट्स करके 92 की तरह ये पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल में पहुंच कर वर्ल्ड कप जीत जाए, फिर ये लोग क्या मुंह दिखाएंगे? मुझे ये आप सहाफत के साथ भी आपका ताल्लुक है, जब वो जो जर्नलिस्ट है जिन्होंने इस खबर के हवाले से, स्क्रीन शॉट के हवाले से इसको क्लेम किया, जब उनसे अजहर अली ने सवाल किया कि आपने बाबर आजम से इजाज़त ली, आपने पूछा, आपने इसको दिखाया, तो जो जर्नलिस्ट हैं वो ये जवाब दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सहाफ़ी के हाथों जो चीज़ लग जाए उसने तो उसको खबर को ब्रेक करना ही करना है। क्या ये जर्नलिस्टिक एथिक्स है? बिल्कुल गलत है। मैंने ये मुश्ताक और शाहिद बैठे हैं, मैंने पूरी टीम के इंटरव्यूज बंद कर दिए थे। डू रिमेंबर, इनके पास कई लोग आए थे इंटरव्यूज लेने में, कहा नो इंटरव्यूज एब्सोल्युटली। एक तो हमारे कई लड़कों को अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, अंग्रेजी में जवाब देते हैं और वो दूसरे जो हैं उसको मिसकंस्ट्रू कर जाते हैं। मुझे खुद जनरल मुशर्रफ ने अंदर बुलाया और कहा पीजे वी आर गेटिंग अ बैड इमेज। तो मैंने कहा सर व्हाट डू वी डू? इसने कहा वर्ल्ड कप हो रहा है, यू गो। नसीम अशरफ साथ, तो मैंने कहा ऑल राइट सर। खैर गए। अब वहाँ ये जो हम मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकंस्ट्रूइंग की बात कर रहे हैं, इंजमाम उर्दू में बात करता था, हमारी जबान उर्दू है, मैं अंग्रेजी में ट्रांसलेट करता था सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो भी मैच के बाद होती थी, मैं अंग्रेजी में बोलता था वो, और क्लियर कट बात आ जाती थी। इंजमाम अगर कोई इधर उधर कर दे
तो इंतजाम के वो पतलून उतार देते थे. क्यों? क्योंकि उनको तो मौका चाहिए. बिल्कुल. ये 93 में भी इस तरह ही हुआ जब एक इंसिडेंट हुआ ग्रेनाडा में. आप चले गए थे वहां. नहीं, बट पीजे मीर साहब, आप तो कह रहे हैं ना उनको तो मौका चाहिए, या उनको नहीं मौका, या तो हमको ही मौका चाहिए. मतलब हम खुद गिरा रहे हैं अपनी टीम को. मैं यही बात कर रहा हूँ ना, एक मौका हम हमारे ही लड़के एक ने स्टेटमेंट दी लंदन से बैठ के, उसके बाद जो इंडियन प्रेस हमारे पीछे पड़ी, इनको मर्डर बनाया, ये जी ये मर्डर कर दिया इन्होंने, उसके बाद मेरे पीछे पड़ गए कि इन्होंने मर्डर कर दिया. और ये क्यों? क्योंकि एज यूर सेइंग सवेरा, हमारे अपने लड़के ये करते हैं. बिल्कुल. हमारे अपने लड़के ही बाहर से बैठ के अपने आप को खराब करते हैं और हम डिफेंसिव पे लगे रहते हैं. ठीक है ना. 2011 में भी यही हुआ. क्यों? शायद उसके अंदर भी यही चीज हुई. मैंने चेयरमैन को, इसको अल्लाह उनको जन्नत है, तो मैंने भट साहब को कहा, मैं कहा भट साहब खुदा के लिए किसी बंदे को भेजें कि इसको हैंडल करे. नो 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 नो, डोंट वरी, सब कुछ हो जाएगा. क्या वरी? हमारी बदनामी हो गई थी. बिल्कुल. हमारी बदनामी हुई थी. शायद उस मीटिंग में बैठा हुआ था नीचे कि हम कोशिश कर रहे थे इसको इनकैप्सुलेट करें, अंदर करें. सबको बुलाया था, लेकिन ना हमारे किसी लड़के ने आगे न्यूज़ लगा दी और दैट्स द एंड ऑफ इट. नहीं नहीं नहीं, न्यूज़ वही तो है ना कि न्यूज़ तो खैर यूं निकलती है. बहुत दफ़ा ऐसी हुआ लाला की टीम मीटिंग अभी ख़त्म हुई है और शायद मैनेजर अभी लिफ्ट से उतर के लॉबी तक पहुंचे तो खबर बाहर आ चुकी थी. तो ये तो खैर ये एक वो कहते हैं ना कि एक बना हुआ है ट्रेंड बहुत टाइम से, मगर ये ट्रेंड इंडियंस का इतना क्यों नहीं होता? हमारा होता है. वहाँ बहुत सख्ती है, वहाँ बहुत स्ट्रिक्टनेस है, उस स्ट्रिक्टनेस को बहुत मेंटेन किया जाता है. और एक वन हैंड डिस्टेंस देखें, हम ठीक है, वी टेक एडवांटेज ऑफ दैट कि मीडिया जस्ट ऐसे कॉल करता है और किसी भी क्रिकेटर से बात कर लेता है. इंडियन क्रिकेटर्स आर नॉट अप्रोचेबल दैट इजी. आपको उनके एजेंट के थ्रू जाना पड़ता है और उनके एजेंट्स भी क्यूरेटेड है बाय दी. हमें तो हमारे तो एजेंट्स ने वक्ता डाला हुआ है. अभी तो एजेंट्स की तो हम बाद में बात करेंगे, मगर ये जो लाला एक बहुत बड़ा तजाद है लाला, क्योंकि कल एक इंटरव्यू में चेयरमैन पीसी भी बैठ के ये कहते हैं कि हमें सपोर्ट करना चाहिए, मीडिया और फैंस स्टॉप डूइंग द ट्रायल फॉर पाकिस्तान टीम, जब तक टीम वहां पे है वी शुड सपोर्ट. इज दैट द सपोर्ट दैट ही वाज टॉकिंग अबाउट? वही वाली बात होगी कि अपनी 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 जंग लगी हुई है. मैं सेफ हो जाऊँ, सामने वाला मर जाए, बस ये उसकी क्या कहेंगे इसको मुशी भाई, कि अपनी सर्वाइवल है और क्या है, अपनी अपनी वो है, अपने आप को बचाना है, दूसरे को डुबो देना है. तो आई मीन कि ये कोई तरीका नहीं है. इन चीज़ों को जो बड़े होते हैं वो बड़ों वाला रोल अदा करते हैं. बड़े छोटों वाला अगर छोटे गलती कर रहे हैं तो उनको समझाते हैं, लेकिन बड़े हमेशा बड़ों वाला रोल अदा करते हैं. तो आई मीन ये जो पूरा सुनारियो है ये कोई इतना ज़बरदस्त नहीं बना. आज तो मेरे ख्याल में कोई इंडिया में भी बहुत सारे लोगों ने इस हवाले से बात की है, पूरी दुनिया बात कर रही है. अगर अपने हीरोज का ख्याल नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं किसी को मौका मिले? शायद देखें ना, नेशनलिज्म की बात करते हैं अपना इंग्लैंड का, ये इनको पीजे साहब को और शायद को हम सबको बड़ा एक्सपीरियंस है. अब मुझे ये बताएं, इंग्लैंड में बहुत वर्सटाइल सोसाइटीज़ रहती हैं और बड़े फ्रीडम से रहती हैं. ठीक है. आप मुझे ये बताएं, जब नेशनलिज्म की बात आती है, माइकल वॉन और आपका जो जेफ, क्या नाम है ये यॉर्कशायर का जो बैट्समैन है, जो बॉयकॉट, ये दोनों माइकल वॉन और ये बॉयकॉट जो है ना यॉर्कशायर से इनका तल्लुक, दे आर नॉट अलाउड टू स्पीक टू एनी इंग्लिश क्रिकेटर्स बिकॉज वो अपने नेशनलिज्म के ऊपर नीचे जाके बात करते हैं. उन्होंने इन्होंने 2-3 दफा उनको गिराने की कोशिश की है, पर्सनल मैसेजेस कोई उसने शेयर किए. ठीक है, माइकल वॉन की वो इज्जत नहीं है, हालांकि एशेज जीता हुआ ये वो बंदा, वो ऐसे उसने क्रिकेट को उठाया था, मगर बिकॉज उसने पर्सनल अपने एजेंडेज को सामने रखा, नेशनलिज्म को सामने नहीं रखा, तो आज उसकी कोई इज्जत नहीं है. थोड़ी सी खुशी के लिए ना, थोड़ी सी पॉपुलरिटी के लिए, थोड़े से इंटरेस्ट के लिए लंबी देर की आपको रेस नहीं हारनी चाहिए. ये जो पाकिस्तान हमारा मुल्क है ना, इसकी जितनी हम फीलिंग रखेंगे, जितनी इसकी कदर करेंगे, अपने अपने कहें मैं को मार के परे करेंगे, जैसे शायद ने कहा ना, बड़े होने का सबूत बड़ा इंसान अपनी एजुकेशन से नहीं देता, पैसों से नहीं देता, अपने क्रेडिबिलिटी पर नहीं देता, उसके जो मॉरल्स हैं, उसकी जो वैल्यूज हैं, वो मुश्किल वक्त में तो सामने आती हैं. बंदे का पता ही तब चलता है जब आपके ऊपर प्रेशर पड़ता है, उसको पता चलता है ये किस किस्म का इंसान है. मुशी भाई, ऐसा मैं ऐसा हो क्यों रहा है? क्या ये वीकन करने की कोशिश की जा रही है कि नहीं जी वापस आके मैं जस्टिफाई कर सकूं कि हाँ जी ये कैप्टनसी के लायक नहीं है या कैप्टनसी हटा, मतलब व्हाई इज दिस हैपनिंग और इज इट स्पाइरल, व्हाट इज हैपनिंग? या कि दूसरों के लिए अपने दूसरों के लिए गड़ा होता था और खुद गिर गए आपस. यही एग्जैक्टली आई थिंक ये आपने, मैं मोस्टली यू डू दैट एक्चुअली, आप क्वेश्चन में आप खुद ही जवाब दे देती हो. पता है उसकी वजह क्या? ये प्लान, बंदा प्लान करता है ना कि मैं ये बातें शुरू से कर दूं ताकि मैं हमारे पास जवाज हो, ग्राउंड ग्राउंडेड हो कि जी नो मोर बाबर. यू कांट डू दैट.
Babar is your captain at the moment. You selected him. Yes. You know, he 3 games still to go. Yes. You know, obviously they're not playing great cricket. They're not playing smart cricket. Hmm. It does not mean you throw all the stones to them right now. बिल्कुल. आप मैं protect ये मैं ये शायद ने मुझसे जब भी जिंदगी में हमने पैंटी खाई है ना चाहे वो क्रिकेट हो चाहे पर्सनल जिंदगी हो जब हमने अपने सर्वाइवल की जंग के लड़े के लिए दूसरों को रोलने की कोशिश की हम गिर गए अल्लाह ने उसको उस वक्त शायद निकाल दिया हो मगर आने वाले वक्त में ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेज का हमें सामना पड़ेगा कॉन्सिक्वेंसेज का भी देखते हैं कि क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं इसके बहरहाल टीम वहाँ पर मौजूद है टीम भी हो सकता है इसे सफर कर रही हो इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे तो मैचेस ऑफ वर्ल्ड कप के हवाले से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल एंड जनाब वाकई वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल कहते हुए भी इसी वजह से मैं अटकूंगी रुकूंगी बिकॉज क्रिकेट का खेल है जिसको हम फॉलो करना चाहते हैं मगर क्रिकेट के खेल के अलावा और बहुत सारे खेल हो रहे हैं और वो कहा यह जाता है कि जब मैं परेशान हूँ तो मैं दौड़ के वापस घर जाती हूँ मगर अगर मेरे घर में ही मुझे कोई ना सराए तो फिर क्या करना है तो यस मूविंग ऑन फर्दर इट इज श्रीलंका वर्सेज अफगानिस्तान और शुरू हो गया ये मुकाबला श्रीलंका ने अभी तक 4 रन बनाए हैं दूसरा ओवर जारी है एंड कमिंग बैक टू द डिस्कशन अगैन पीजे मीर साहब आपकी तरफ मैं आऊंगी हाउ टू हैंडल दिस सिनेरियो राइट नाउ इट इज स्पिल्ड मिल्क नाइट नाउ बड़ी सिंपल चीज है जी इस पे मैं कम से कम 30 साल हो गए इस पे काम कर रहा हूँ ओके हमारे जो बोर्ड्स हैं ना जी ये जो एक तो पीसीबी है हाँ. ये जो फिर आपके एलसीए केसीए आरसीए एंड ऑल दैट आरडीसीए एंड ऑल द पीसीए इनमें इंट्रिग्स बढ़ी है हाँ. क्योंकि हर बंदा लॉबी कर रहा है कि बंदा इनका बोर्ड में कैसे चला जाए ठीक है ये हर जगह लॉबी होती है पिंडी की लॉबी कुछ और है इस्लामाबाद की और है लाहौर की और है और यहाँ गेम चलती है बोगस क्लब्स के ऊपर जी किसको आपने वो बनाना है वो एलसीसीए का प्रेसिडेंट बनाना है किसी को वहाँ बनाना है किसी को सेक्रेटरी फिर जब इलेक्शन होते हैं ये इस तरह इलेक्ट होते हैं ये है बहुत बड़ी करप्शन ये बहुत बड़ी बोर्ड के अंदर करप्शन है और बोर्ड इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं लेता सिर्फ एक आदमी ने मेरी नजर में लिया था डॉक्टर नसीम अशरफ ने हमने पूरा किया था कि जो इस तरह के बंदे बाहर निकालो सीधी सीधी सी बात है अब ये आते नहीं है क्योंकि इनकी अपनी पोजीशंस डेंजरस हैं और इनकी पोजीशंस प्रेकेरियस होती हैं तो ये डिसीजन लेते कोई नहीं फिर आप और मैं हम इसमें यहाँ बहस करते रहते हैं यू नो भौंकते रहते हैं भाई कुछ तो करो क्रिकेट के लिए तो क्रिकेट के लिए आई एम सॉरी आपसे पहले भी पूछा था मैं फिर से पूछूंगी हु विल सिलेक्ट द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब यू नीड टू हैव अ राइट पर्सन टू सिलेक्ट अ राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब हु विल सिलेक्ट आई थिंक पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर्स को जिन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया They have to come to the party now. Pakistani ex-cricketers ne damage nahi kiya Pakistan cricket. Bahut kiya. I'm one of them. Isme koi do raay nahi. Sare nahi. Nahi sare nahi. Main stereotype nahi kar raha. Sare nahi hai. Haan. Dekhiye meri baat sune. अपने अपने एजेंडेज को अपने अपनी मैं को निकाल के अपनी अपनी क्रिकेट किट को उतार के जब पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व करने आएंगे ना दोबारा तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी 8-6 लड़के तगड़े रखो जिन्होंने पाकिस्तान की कप्तानी की हुई है उनकी वैल्यू हो उनकी एक प्लेयर एसोसिएशन हो वो प्लेयर एसोसिएशन के ऊपर वो प्लेयरों को और जो कहते हैं ना ब्रिज बिटवीन प्लेयर्स एंड पीसीबी दे कैन प्ले ह्यूज रोल लाइक इन इंग्लैंड वेस्ट इंडीज आपका ऑस्ट्रेलिया आपकी पूरी दुनिया में प्लेयर एसोसिएशन है पाकिस्तान में क्यों नहीं बन सकती आप बताएं ना कि पाकिस्तान में ये सारी चीजों का हल मेरा ख्याल है कि ये कमेटी फिर जो प्लेयर हैं ये फिर अपना जब ऑर्गेनाइज करेंगे कि किसको कोच रखना है कौन कप्तान बनेगा पाकिस्तान टीम की चीफ सेलेक्टर वो कौन होगा ये सारी उसके अंदर आएगी बाकी जैसे शायद ने कल कहा चेयरमैन का काम तो है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को सामने रख के ग्राउंडों को तैयारी करना शुरू कर दे ग्लोबली जाके कम्युनिकेशन शुरू कर दे यू नो ऑल दोस थिंग्स कम फ्रॉम द पीसीबी बट कम्युनिकेशन जो क्रिकेटिंग अफेयर्स है वो क्रिकेटर्स को अब आना पड़ेगा क्रिकेटर्स के साथ भाई वो कंपनीज वाला भी हम देख रहे हैं कि इशू आ रहा है क्रिकेटर्स के साथ फिर मामला तो फिर ऐसे ही चलते रहेंगे क्या आ रहा है अभी जो यासो इंटरनेशनल का एक स्कैंडल आया है जो इशू आया है कल जिस पे हमने बात की बात कर मुझे बताओ ना इंशाल्लाह ताला सून और लेटर आई बिलीव इंजी विल कम हियर यार किसी की पर्सनल जिंदगी में अगर कोई बंदा काम करता है और अब नहीं है कितने लोगों के पास एविडेंस है कि वो ही स्टिल दैट कंपनी स्टिल रनिंग If he is not running that company and he is not part of it, जो पिछला हो गया उसको क्यों हम भी तो मुर्दे उखाड़ते हैं ना अब मैं एक कंपनी का जिस तरह साया कॉर्पोरेशन है वो मुझे लुक आफ्टर करते थे साल 2 साल पहले ठीक है मैं अब नहीं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो मेरे 2 साल पहले उसने कॉन्ट्रैक्ट कराए थे अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं
ये नहीं हो सकता। हम क्या करते हैं कि हम पुराना रिकॉर्ड निकाल के रख देते हैं और कहते हैं कि ये स्टिल कैरी ऑन। ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे लगता है ऐसी कोई बात नहीं है। आप मुशबे आप ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब उस कंपनी से एनजी भाई का ताल्लुक नहीं है? पहले होता होगा, माजी में पहले अभी कह रहे हैं माजी होगा, मतलब जब तक वो चीफ सेलेक्टर नहीं थे तब होता होगा। मुश्ताक बात कर रहे हैं, एक चीज he has made it very clear, I have nothing to do with it. I think NG should come and say ha exactly make it simple. Obviously. I wo NG to mujhe pata hai na, kyunki main apne muh se kehna nahi chah raha, isliye ki I know NG. Hum sare cricketers jo hamare bahut बहुत पर्सनल ताल्लुकात हैं, बहुत लोगों से हमारी दोस्ती आ रही है, मुझे पता है ऐसा कोई चीज नहीं। अगर है तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस देर ना, बिल्कुल अगर है, बिल्कुल, तो, अगर है तो फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, फिर मेरा ख्याल इन जी एक मिनट भी लगाएगा, क्योंकि देखिए अगर तो उस कंपनी की एग्जिस्टेंस की एक प्रूफ आ गया है तो उसकी नॉन एग्जिस्टेंस का प्रूफ नहीं आया। सबसे पहला अगर साया कॉर्प ने वापस उसको रिबर्टल देना होता तो उसकी नॉन एग्जिस्टेंस का प्रूफ देते कि ये 2020 में हमने रजिस्टर की थी और ये 2022 में हमने बंद कर दी थी, मगर वो रिबर्टल नहीं आया। उनका रिबर्टल सिर्फ ये आया कि पास में भी मैनेजर्स के साथ प्लेयर्स जो है वो कंपनीज बना के काम करते रहे, दे गेव एग्जाम्पल ऑफ सेरेना विलियम्स एंड वॉट नॉट, एंड अभी कोई करंट प्लेयर इसका हिस्सा नहीं है, दो के हम रिजवान का भी नाम देख रहे हैं। इट्स नॉट जस्ट इंजमामुल हक बीइंग एसोसिएटेड विद इट, इट इज मोहम्मद रिजवान बीइंग एसोसिएटेड विद इट। सवेरा आप 10 पाउंड दें अभी जी, इधर पाकिस्तान में बैठ के लाहौर में अभी बैठ के 10 पाउंड दें, कंपनीज हाउस को एक्सेस करें, आपको पूरी लिस्ट अभी नजर आ जाएगी, अभी आ जाएगी कि वेदर द कंपनी इज एग्जिस्टिंग और नॉट। एब्सोल्युटली Absolutely. See how simple as that. ये बहुत आसान से एक चीज़ है जिसको हम बिल्कुल कोशिश करते हैं, और ऑब्वियसली वो फिर हम 5 बजे वाले शो तक जो है वी शुड हैव दिस डॉक्यूमेंट, बिकॉज़ हम जब बात करें हमें एविडेंस के साथ बात करनी चाहिए। अपने वीलॉग के चक्कर में, अपने प्रोग्राम के चक्कर में किसी की पर्सनल जिंदगी को इतना उछालना नहीं चाहिए, क्योंकि वो बंदे की भी फैमिली होती है, हर बंदे की जिंदगी होती है जिन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया होता है। अगर किसी के पास एविडेंस है, पक्का प्रूव है, तो उस पक्के प्रूफ और एविडेंस के ऊपर आप जरूर डिस्कस कर सकते हैं। और आई एम श्योर अगर इंजी के खिलाफ ये पक्का एविडेंस होगा या उसने कोई है ऐसी बात है तो एक मिनट नहीं लगाएगा वो रिजाइन करते हुए, याद रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसा होना भी ऐसे ही चाहिए, बिल्कुल होना बिल्कुल ऐसे ही चाहिए। और कमिंग बैक टू द डिस्कशन जो कि आपने चीफ सेलेक्टर क्योंकि मेंशन किया, लाला मैं आपकी तरफ आऊंगी कल, क्योंकि चेयरमैन जका अशरफ साहब का इंटरव्यू आया और उस इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि सबसे पहले तो मुझे समझ नहीं आता कि सैलरीज क्यों मेंशन की जाती हैं, ऑन एयर सैलरी मेंशन की गई कि जी इतनी सैलरी इतने अमाउंट पे जो है वो चीफ सेलेक्टर सेलेक्ट हुए, दो के उन्होंने कोई टीम नहीं सेलेक्ट की है तो वही पुरानी टीम थी, तो उन्होंने कहा ये तो वो है जो सबसे कम पैसों में आए, वरना तो बाकी और फॉर्मर कैप्टन भी नहीं, फॉर्मर प्लेयर्स हैं वो भी मुझसे करोड़ करोड़ रुपये मांग रहे थे, करोड़ और 60 लाख पर मंथ, क्योंकि वो तो चैनल्स पे बैठते हैं, वो कहते हैं चैनल उनको 4 लाख रुपए देते हैं पर डे और हम तो करोड़ वहाँ से कमा लेते हैं, तो हम यहाँ पे जब फायरिंग जोन में क्यों आएँ और हमें आप करोड़ रुपए दे दें तो हम आ जाएँ। तो इंजी ने तो सबसे कम पैसे मांगे थे इसलिए वो चीफ सेलेक्टर है। नाउ दिस इज द चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड स्टेटिंग इट। अब क्या कहूँ इसके बारे में, इस तरह की बातें नहीं की जाती हैं भाई, कि जिसके साथ भी आप हर एक के साथ पर्सनल आप जो भी डिस्कस करना, जो भी कॉन्ट्रैक्ट देना, लेकिन उसको इस तरह टीवी पे आके आई मीन देखें, मैं एक बात बताऊं, अगर मैं बोर्ड की भी गलतियां होती हैं, प्लेयर्स की भी गलतियां होती हैं, हमने भी क्रिकेट खेली हुई है, बहुत सारे चेयरमैनों को फेस किया, हम क्रिकेटर्स में से भी कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो समझते हैं कि नहीं अब मैं पहले हूँ पाकिस्तान बाद में, बिल्कुल है, बहुत ऐसे मैंने लोग देखे हैं जो कि क्रिकेट बोर्ड के अंदर आने के लिए कहाँ कहाँ से फोन करवा के अपनी एक जॉब जो कि नहीं होती थी तो उनके लिए एक नई जॉब डिस्क्राइब की जाती है उनको, तो आई मीन के इस तरह के लोग हैं जो अपने फायदे के लिए पाकिस्तान को बिल्कुल नहीं देखते, और हमारे पास तो ये पाकिस्तानी जैसा मुल्क है नहीं, तो इसकी इज्जत हम सबकी इज्जत है ऑनेस्टली स्पीकिंग, और क्योंकि हम क्रिकेटर्स और क्रिकेटर्स जो पहले भी बात की थी कि हमारी बेस्ट लोगों के बहुत खुशियां मिली हैं, मिलती हैं खुशियां, और एक ऐसा खेल है जिसके झंडे के नीचे हम सारे एक ही जगह आके जमा हो जाते हैं, तो इसकी बहुत इज्जत का हमें सबको ख्याल रखना चाहिए। लला आपने बात की कि जॉब्स क्रिएट की गई, पीजे मीर साहब आप भी ज़ाहिर है पॉलिटिकल जो है साइड वो भी देखते हैं, स्पोर्ट्स से थोड़ा सा हटके क्योंकि बींग अ पाकिस्तानी ये बात है, तो हमने देखा कि आज PIA की क्या हालत है, यही सारा स्ट्रक्चर यही सिलसिला चलता रहा कि जॉब्स क्रिएट की गई, सरकारी इदारे जितने भी थे, जितने भी सरकारी इदारे थे वहाँ पर इसी तरीके से नौकरियाँ दी गई और नौकरियाँ क्रिएट करके तनख्वाहें ऐसी दी गई कि तमाम इदारे आज तबाह हो गए और अब PC भी उसी डगर पर चलाया जा रहा है। बड़े अच्छा सवाल किया आपने, स्टील मिल्स का भी यही हुआ है, बिल्कुल आपने PIA का बेड़ा कर लिया,
आपके पास दो होटल्स हैं, एक पेरिस में स्क्रीब है और वाशिंगटन में रूजवेल्ट है, आपने उसका भी बड़ा घर कर रहे हो, अब कहते हैं उसको बेचो, आपने एयरपोर्ट्स आउटसोर्स कर दिए, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, हर चीज़ तो अगर आपने आउटसोर्स करनी है तो पीसीबी इज नो एक्सेप्शन, बिल्कुल इसको भी कर दो आउटसोर्स, बिल्कुल प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं ना, हर इदारे की प्राइवेट कर दें, ये हाल है, ये मल्टी मिलियन डॉलर कंपनी है पीसीबी, मल्टी मिलियन डॉलर, हाँ इट मतलब हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो शायद हम कहते हैं कि पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर के बाद पीसीबी चेयरमैन की बहुत वैल्यू होती है, बिल्कुल सो ये तो मतलब वाकई इट इज द वाइट एलिफेंट। एंड मुशी भाई, बट एक चीज क्या, मैं सबकी बात करूंगी, पूरी फ्रेटर्निटी की बात करूंगी, मीडिया का भी बहुत कसूर है, मीडिया भी कुछ ऐसी चीज़ों को उठाता है जो नहीं उठानी चाहिए, जिसकी वजह से हमारी अपनी वो कहते हैं, मैं बार बार ये लफ्ज़ यूज़ करती हूँ कि अपना पेट नंगा करना या अपने घर की बात बाहर बताने वाली, बिल्कुल मीडिया का भी कसूर है, फॉर्मर क्रिकेटर्स का भी बहुत कसूर है, क्योंकि फॉर्मर क्रिकेटर्स तो सबसे बड़े स्टेक होल्डर होने चाहिए, बिकॉज व्हाट दे आर टुडे इज़ बिकॉज ऑफ दिस गेम। क्या कभी फॉर्मर क्रिकेटर्स, ये बोर्ड ये बात रियलाइज नहीं करते, लुक वेयर पाकिस्तान हॉकी इज, हॉकी वर्ल्ड कप हुआ, जो नेशनल टीवी है पाकिस्तान का, उन तक ने कोई ट्रांसमिशन सेटअप नहीं की, कोई फॉर्मर ओलंपियंस नहीं आके बैठे वहाँ, किसी ने वर्ल्ड कप के ऊपर डिस्कशंस नहीं की, इस वक्त एवरी अदर फॉर्मर क्रिकेटर इज एम्प्लॉयड क्योंकि वर्ल्ड कप हो रहा है, डोंट वी रियलाइज दिस फैक्ट कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट मर गई हम सब मर जाएंगे। आप शाहिद ने अभी दो मिनट पहले क्या बात की, शाहिद ने यही बात की है ना, कि कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं, पर्सनालिटीज़ हैं जो अपने गोल्स को पहले रखते हैं अपने मुल्क से, फिर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जब हमारा मैं कह रहा हूँ ना कि शाहिद की किट उतर चुकी है जी, शाहिद नो मोर क्रिकेटर, मी इज़ नॉट मोर नो मोर क्रिकेटर, जब हम ये डिसाइड कर लेंगे कि ये लड़के आज के हीरोज़ ये हैं, हमारा टाइम, आपकी ज़्यादा इज्जत होगी, लोग आपको ज़्यादा प्यार करते हैं, अभी भी प्यार करते हैं लोग, बट कमिंग बैक टू अपना पर्सनल एजेंडे जब तक आप नहीं निकालते, हम कोचिंग करते हैं ना, मेरी बात सुनिए, जब मैं अपने पर्सनल गोल्स बना के चलता हूँ ना, तो आई फ्रस्ट्रेट पीपल, आई फ्रस्ट्रेट माई सेल्फ, जब मैं लोगों के लिए कुछ कोशिश करता हूँ ना कि इनको मैंने ऑन करना है, इनकी खुशियों में मैंने हासिल करना है और इनको गमों को मैंने खुद संभालना है, तो आप यकीन करें ड्रेसिंग रूम की जान बन जाते हैं आप, ये छोटी सी जिंदगी है, इसके ऊपर आपने अपने मुल्क के लिए अगर थोड़ा बहुत, जो अल्लाह ने इस मुल्क के, इसके मुल्क के थ्रू हमें इज्जत दी है ना, बिल्कुल, इस मुल्क के ऊपर हम खेले हैं, अब कौन है शाहिद को कौन जानता था, मुझे कौन जानता था, इट्स द स्टार दैट मैटर, ये पाकिस्तान ने हमें इज्जत दी है ना, आज अगर पाकिस्तान ने अगर हमें इज्जत दी है तो हमारा कुछ तो है ना पे बैक करने का, पे बैक करना क्या है, अपने थोड़े से पर्सनल मैं को निकाल दें, ईगो को निकाल दें, और देखे ना मेरी और शाहिद की डिफरेंस ओपिनियन हो सकती है, इसका मतलब डज नॉट मीन वी आर एनिमी, हम मुश्किल, हम दुश्मन नहीं है, इसकी अपनी ओपिनियन है, विजय साहब की अपनी, मेरी अपनी ओपिनियन, डस नॉट मीन आप दो एक दूसरे को नीचे गिराना के गिराने की कोशिश करें, क्यों, इसलिए कि मैं पीछे ना रह जाऊं, एग्जैक्टली ईमानदारी की बात, आई एम सॉरी टू से दिस बिकॉज ये वेरी इमोशनल डिस्कशन, लोग सिर्फ कई दफा ऐसे लोग आने नहीं देते लोगों को आगे, कि अगर ये आ गया तो शायद ये आगे ना निकल जाए, बिल्कुल बिल्कुल, और जबकि गोरे से कभी आपसे बात करना, आई एम रियली सॉरी टू से दिस, उसने कहा ना कि जी शाहिद ने कल ये बात की थी, गोरा कहेगा शाहिद टोल्ड मी यू नो इफ वी वांट टू विन इन इंडिया यू हैव टू डू दिस, दे विल मेंशन शाहिद नेम, और ये नहीं कहेंगे कि सारा क्रेडिट मुझे दे दो, ये शाहिद से मैंने बात सुनी थी, आई थिंक वी शुड इंप्लीमेंट दैट, जब अल्लाह का निज़ाम है सवेरा और मैं, अल्लाह का निज़ाम है, जब आप लोगों को बड़ा करना शुरू करते हो ना और लोगों को इज्जत देते हो, अल्लाह आपको बड़ा करता है, अल्लाह आपको इज्जत देता है, ये सबसे बड़ी मुश्किल मुश्किल सिचुएशन पता क्या है, क्रेडिट देना तो सीखो ना, अगर क्रेडिट लेना है, क्रेडिट देना ही नहीं आता हमें, बस ये है सबसे बड़ा इशू जो हमारे मुझे लगता है, ये मैं आई कैन बी एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये मुझे लगता है ये हमारी जो हमारी फैमिली है ना क्रिकेटर्स की, ये थोड़ा सा मुश्किल काम है उनको एक दूसरे को कम्प्लीमेंट देते हुए, मैंने नहीं सुना आज तक, अगर एल फील बी वेरी ब्लंट कि किसी ने किसी ने, अगर किसी का हमारा को क्रिकेटर्स किसी के ऊपर थोड़ा सा, जैसे सकलैन था फॉर एग्जाम्पल, यूसुफ था, जब उनको निकाला गया, तीन सेमीफाइनल खेल रहा है पाकिस्तान, एक फाइनल खेल रहा है, ये गोरों ने हल, सारी दुनिया में जाके वो कोचिंग करते हैं, एक बंदे ने बोला, बताएं क्यों नहीं बोला, बिकॉज दे थिंक यू नो ही इज डूइंग सो गुड, व्हाई ही इज गेटिंग ऑल द क्रेडिट, बिकॉज एवरीवन, हर किसी के दिल में कीना एक दूसरे के, बिकॉज हर किसी के दिल दूर है, क्यों आज तक, आप उस दिन एसोसिएशन की बात कर रहे थे ना, क्यों आज तक प्लेयर्स एसोसिएशन पाकिस्तान में नहीं बन सके, बिकॉज प्लेयर्स आर नॉट ऑन वन लाइन, you would have your group, someone would have their group, and the groups are still there, they're not dissolving, that is the biggest problem that is there. Lekin Savera, is cheez ko jo aapne bada acha isko point kiya hai,
फिर बोर्ड का रोल होता है कि सबको जोड़े ना. बोर्ड का रोल तो आपने आज देख लिया. वो क्रीम रोल है. बोर्ड का ये रोल होता है कि वो चैट निकाल के दे किसी की. व्हाट्सएप चैट बाहर स्क्रीनशॉट निकाल के दे. क्या बात. दिस वाज फ्रॉम द सीईओज मोबाइल. ऑब्वियसली या तो ये उनके मोबाइल के स्क्रीनशॉट ही आगे भेजा जा सकता था. दैट्स अ सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स. मुश्ताक ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की. देखें आप एक्स क्रिकेटर्स को पहले होता था एक लेटर जाता था कि टेस्ट मैच हो रहा है इसके इसके साथ प्लीज कम एंड वॉच. यस लेटर भेजते थे. फिर उसके बाद एक कार्ड बना था इनविटेशन जो पाकिस्तान के लिए खेला वो एक कार्ड होता था. आप जाके अंदर चले जाते थे. कार्ड बंद हो गए. ठीक है एक्स क्रिकेटर्स को इनवाइट करता नहीं है. आप लॉर्ड्स पे देखो खुदा कसम लॉन्ग रूम में जाके वहां आपको मिलेंगे पुराने क्रिकेटर्स और जो नए हैं यू लव टू टॉक टू देम. यू नो ये बिल्ड करता है इंसान. हम यह करते नहीं डिस्कनेक्ट कर दिया ना बिल्कुल. ये शायद अफरीदी का स्टैंड है. शायद एक दिन कहें सर आप उधर आ जाएं आपके फैंस भी वहां होंगे. शायद इज देयर गिविंग ऑटोग्राफ्स. लड़के इनकरेज होंगे. वो इस तरह है नहीं. मुश्ताक जी मेरे साथ ब्रेक पे मैंने जाना है. इन लाइंस पे हम पता नहीं कब सोचेंगे क्योंकि अभी तो हम ये सोच रहे हैं कि किसको नीचे गिरा सकते हैं और किसको जो है किसकी टांग खींच सकते हैं. मैं किससे बड़ा हो जाऊं. मैं कितना ज्यादा कमा लूं या मैं कितनी अपनी जायदाद बना लूं. इस वक्त तो सोच सिर्फ ये है तो कैसे हम कुछ सोचेंगे. बार बार मोहसिन अली साहब जो है वो एक 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 बात मोहसिन हसन खान जो है वो एक एक चीज बहुत ज्यादा एक उनका फ्रेज है जो वो रिपीट करते थे कि डोंट प्ले विद पाकिस्तान प्ले फॉर पाकिस्तान. एंड वाकई डोंट प्ले विद पाकिस्तान प्ले फॉर पाकिस्तान. ब्रेक पर जा रहे ब्रेक से वापस आते हैं डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं. एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़. और जोर का जोड़ में भी हम बात करेंगे. अभी जो मैच इस वक्त जारी है अफगानिस्तान वर्सेस श्रीलंका और कल जो पाकिस्तान का मैच होगा उस वाले से बात करेंगे. लेकिन जो कल का मैच हो गया है इंग्लैंड वर्सेस इंडिया उस मैच के वाले से भी बात करेंगे इस पार्ट में. लेकिन सबसे पहले स्पार्क्स के लकी विनर का नाम अनाउंस करेंगे. कल का सवाल आप लोगों के सामने रखेंगे. आज का सवाल भी आपको बताएंगे. कल का सवाल था वर्ल्ड कप में आखिरी नंबर पर आकर सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी का है. लास्ट नंबर पर जी मुशी भाई पाकिस्तानी है ना जी. दुनिया का तेज तरीन बॉलरों में से भी उसका शुमार होता है. क्या उसका नाम शोएब अख्तर. शोएब अख्तर ने मेरे ख्याल में किया था साउथ अफ्रीका में 50 रन. उन्होंने 50 किए थे इंग्लैंड के. इंग्लैंड के अगेंस्ट और बड़े तेज रफ्तार. और जगह बताऊं केप टाउन. केप टाउन में किए थे. जबरदस्त. क्या बात है जी. आज तो छा गए. बड़ी अख्तर की वो इनिंग बड़ी तगड़ी थी. हम सारे ड्रेसिंग रूम में बैठे और वो बैठा हुआ छक्के मारे जा रहे छक्के मारे. वाओ लाला यानी स्पार्क्स का S3 मोबाइल आपको मुबारक. प्लीज कौन है जी लकी विनर. मैंने सिंगल दे के शायद को दिया था छक्का. उसने इसलिए मारा कि सिंगल तो मैंने दिया. एक मोबाइल नहीं दो चाहिए. ये पार्टनरशिप है जी. दो नहीं हमारे क्योंकि हम दो अपनी टीम वालों को नहीं भूलते. तीन चाहिए. मतलब क्या मतलब है. हम क्या पड़ोस से आए हैं. तीन नहीं चाहिए एक्चुअली पांच चाहिए. आप पड़ोस से आए हो ना. ना आए हो आपके तेवर पड़ोसियों वाले. अच्छा जिसने असल में हकीकत में जीता है मैं उसका नाम बता देता हूँ. जी जी जी. तो सब बात कर रहे हैं ख्वाहिशात पे. ख्वाहिशात पर बात कर रहे हैं. आसिया है इनका नाम जिन्होंने ये इनाम जीता है. कहाँ से आसिया. वह कैंट से आसिया का ताल्लुक है जी. आसिया आपको बहुत बहुत मुबारक. कांग्रेचुलेशंस यू हैव गॉट द स्पार्क्स S3 स्मार्टफोन. Shine with sparks. आज का सवाल आप लोगों के सामने रखते हैं. वर्ल्ड कप में अब तक कितनी डबल सेंचुरी स्कोर हो चुकी हैं. वर्ल्ड कप इवेंट्स में कितनी डबल सेंचुरी स्कोर हुई हैं आपने ये बताना है. 194 वनडे की तारीख में सैयद अनवर का रिकॉर्ड था. उसके बाद वो टूटा डबल सेंचुरी बनी. लेकिन अब ये सवाल है कि वर्ल्ड कप में अब तक कितनी डबल सेंचुरी स्कोर हुई हैं. इसका जवाब अपना नाम मुकम्मल एड्रेस लिखकर नंबर अब आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है 03466503661 03466503661. इस नंबर पर आपने अपना जवाब नाम मुकम्मल एड्रेस लिखकर जवाब देना है. और मुशी भाई को लगता है कि इस सवाल का जवाब पता है और लालू से पूछ रहे हैं. हाँ, और मजे की बात ये है कि नहीं पता. मजे की बात ये पूछ रहा हूं लेकिन नहीं पता. जितना जो है आप लोग एक्साइटेड होते हैं जवाब देने में हमारे पैनलिस्ट भी उतना ही एक्साइटेड होते हैं जवाब देने में. वी लाइक दिस गेम एक्चुअली. और इसमें मजा आता है क्योंकि आपकी मेमोरीज वापस आती है. बिल्कुल जैसे मैंने एकदम कहा ना कि वो पाकिस्तानी है फास्टेस्ट बॉलर है सारा एकदम शायद की मेमोरीज वापस आई है कि किसने किया. क्योंकि खुद खेल रहा था ना एकदम
नाम कई दफा याद दहानी से ये बड़ा होता है। खैर यानी वो बड़ा हॉट एक टॉपिक चल रहा था उसको रिलैक्स करने के लिए कि शाहिद ने शुरू ऐसा किया था। अब मैं मिडिल में एक चीज एक शेर सुना दूं अगर आपकी इजाजत हो तो। इरशाद इरशाद थोड़ी सी दो तीन इसके वो फिक्रे हैं इसको जरा। यानी ये शेर नहीं है ये क्या है? ये बबर शेर है। ये बबर शेर भी है। इसको नसर भी कह सकते हैं नज़्म भी कह सकते हैं। नज़्म प्लीज। इरशाद मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर। ये नहीं ये डिफरेंट है। ये वो लगता है सही है। शुक्रिया अल्लाह। अच्छा मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से। पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरा क्या हुआ मुश्ताक अहमद? सजदों से तेरा क्या हुआ शाहिद? सजदों से तेरा क्या हुआ? सदियां गुजर गई दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। ओए होए क्या बात है। ईमान तेरा लुट गया राहजन के हाथों से। इससे पहले जो फिक्र है ना क्योंकि आपने मुझे इतने गौर से देखा तो मैं दूसरे चौथे वाले को तीसरे पे ले आया। हर शख्स जल रहा है जो आज शो के जो ना अब ये हमारे रिलेटेड है ठीक है पूरे पाकिस्तान में इस वक्त ये जो फिक्र है ना ये हमारे पूरे कौम को इस वक्त सूट करना। हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में। हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में। ये आग बुझा दे वो पानी तलाश कर। हाय हाय हाय। ईमान तेरा लुट गया राहजन के हाथों से। ईमान तेरा लुट गया राहजन के हाथों। ऐसे लोगों में क्यों फिरते हो जो तुम्हें बेच दे जो तुम्हारा साथ ना दे। ईमान तेरा लुट गया राहजन के हाथों से। ईमान तेरा बचा ले वो रहबर तलाश कर। क्या बात क्या बात जबरदस्त। इसी तरह एक साबिक कप्तान पाकिस्तान टीम के बड़े नामवर वो भी एक शेर करते थे। उनके पास एक ही शेर होता था। अच्छा। कहते सुबह हुई शाम हुई यूं जिंदगी तमाम जी ये है हम कसौटी खेलते ये है नाजरीन जोर का जोड़ का मुशायरा। बिल्कुल। और जो एक शेर की आप बात कर रहे ना वो भी सुनाई दे मैं इंतजार कर रही थी वो भी आएगा इसके बीच क्या हमने देखा है मुशी भाई के चराग अभी तक जल रहा है ये तो ये देवदास का चराग हो गया ये बट यस बुझ गया था ये ये मुशायरा यहीं पे रोकते हैं वर्ल्ड कप के ऊपर वापस आते हैं। लाला कल इंडिया ने क्या जबरदस्त जो है वो गेम जीती है और लो स्कोरिंग मैच था लेकिन इंग्लैंड जब बैटिंग करने आई तो कहीं दिखाई नहीं देती। होना था ऐसा और मेरे ख्याल में जिस तरह की पिच चल रही थी जिस तरह के इंडियन बैट्समैन भी स्ट्रगल कर रहे थे इंग्लैंड के बॉलरों ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी कम टोटल पे इतनी बड़ी लाइनअप को आउट किया। और मुझे जो मेन क्योंकि मैं इंडिया की बॉलिंग को बहुत ज्यादा वैल्यू देता हूं, बड़ा है उसको रेट करता हूं। Is it the number one bowling right now in the world? इस तरह का लोग बिल्कुल कह सकता हूं कि इतनी अच्छी बैटिंग विकेटों पे भी उसके बावजूद बहुत जबरदस्त बॉलिंग उन्होंने की जहां बॉलर्स को और स्पिनर्स को कंडीशन मिली उन्होंने यूटिलाइज किया। कुलदीप ने बोल्ड किया था बटलर को बिल्कुल बिल्कुल ऐसी इवन के फास्ट बॉलर देख ले आप कितनी जबरदस्त जगह पे कितनी अच्छी लाइन ऑफ लेंथ पे वो लोग बॉलिंग कर रहे हैं पहले मैच से लेकर अभी तक 6 के 6 मैचेस जीत गए जी वो बिल्कुल आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। 6 के 6 मैचेस तो ऐसे तो नहीं जीत जाते ऐसे ही कुछ होती है टीम के अंदर कोई आपका कॉम्बिनेशन बना हुआ होता है आपके पास सारी स्किल्स होती हैं यूटिलाइज होती है वो जो प्लान कर रहे हो उसको एग्जीक्यूट करते हैं वो लोग तो टीमें तो बड़ी फिर इसी तरह बनती है ना। मुशी भाई प्लेयर मैनेजमेंट पे हम बात करते हैं और प्लेयर मैनेजमेंट पे बात ये होती है कि जसप्रीत बुमराह आते हैं बैक इंजरी से वापस विच इज़ अ वेरी सिवियर इंजरी और जाहिर सी बात है आप लोगों को ज़्यादा अंदाज़ा है कि कितना एक फास्ट बॉलर के लिए बैक कितनी इंपॉर्टेंट एक वो है। प्रॉपर एक रेस्ट दिया जाता है आप अपना वर्ल्ड T20 उसके ऊपर वो कर देते हैं कि कोई बात नहीं वी डोंट वांट जसप्रीत बुमराह बिकॉज दिस इज द बिगर फॉर्मेट ये 4 साल बाद आता है दिस इज द इम्पॉर्टेंट वन इसमें हमें 100% फिट बुमराह चाहिए। क्या हम मिसहैंडल करते हैं क्या हमने जल्दबाजी की थी शाहीन के साथ क्या उस जल्दबाजी का हम क्या खमियाजा भुगत रहे हैं? शाहीन अपने 8 से अभी भी विकटें ले रहा है मगर क्या शाहीन एग्जैक्टली प्री इंजरी वाला शाहीन है? आई थिंक वेरी वैलिड क्वेश्चन। उसमें 2-3 चीज़ों का एलिमेंट देखना पड़ता है कि जो लोग अपना विजन रखते हैं ना जो टारगेट करते हैं किसी चीज़ को अचीव करने के लिए तो वो छोटी छोटी फिर सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। कहते हैं ना लूज द बैटल्स बट डोंट लूज द वॉर। उसकी वजह पता है क्या? उसकी वजह पता है कि आप छोटी छोटी चीज़ें हारते हैं उसे हारने का डर निकाल जाए ना तो फिर आपको पता चलता है कि ये बंदा मुझे जाके वो जाके वॉर जिता देगा ये जिता देगा मुझे वर्ल्ड कप जिता देगा। उन्होंने ये किया। अब आई थिंक वी शुड गेट लिटिल बिट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट बुमराह। आई एम पर्सनली बिलीव दैट
कि जो भी इनका हाई परफॉर्मेंस सेंटर है वहाँ पे इसने जाके ट्रेनिंग तगड़ी की होगी, इन्होंने अपना इसने अपना ख्याल रखा होगा, और टीम इंडिया एशिया कप खेलने से पहले आई एम श्योर इसने स्नारियो बॉलिंग ज़रूर की होगी, मैच की प्रैक्टिस ज़रूर की होगी. की है, बिल्कुल की है. ही इज़ बीन आउट फॉर अ वेरी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम व्हेन ही रिकवर्ड फ्रॉम द सर्जरी ऑफ हिज बैक सर्जरी. बैक सर्जरी के बाद, रिकवरी के बाद, ही डिड बोलिंग रीहैब, नॉट जस्ट अ नॉर्मल मेडिकल रीहैब, ही वेंट टू द बोलिंग रीहैब देयर. जहाँ पे ऑब्वियसली जब एक इंजरी से एक प्लेयर वापस आता है, आप लोग ज़्यादा बेहतर उसको बता सकेंगे, उसको वापस अपनी बॉडी से एक्लेमेटाइज होना पड़ता है. इस वक्त अगर हम कभी कभार शाहीन, मतलब आप शाहीन की बात करें, ऑब्वियसली इट वॉज नी, अपनी नी पे वापस पाँव रखते हुए वजन देते हुए डर लगता है ना कि फिर से ना हो जाए. दैट इज अ साइकोलॉजिकल थिंग. आपने इमरान भाई नेहरू कप जो हम जीते थे ना, नेहरू कप, आई वॉज पार्ट ऑफ द टीम ऑल्सो 89-90 में, वो हम ऑलमोस्ट वर्ल्ड कप ही okay. पूरी दुनिया की टीमें थी सारी. वो नेहरू कप खेलने से पहले ना सेमीफाइनल में ना वकार को रेस्ट दे दिया गया था. वो बड़ी अच्छी फॉर्म में थी. क्यों? बिकॉज ही न्यू दैट ही इज गेट फटीग्ड. जिस बंदे को ये डर ना हो कि यार सेमीफाइनल में हार ना जाऊँ मेन टीम. आप जब नेदरलैंड के खिलाफ जो ये अब ये जो क्रिटिसिज्म हमें करना चाहिए ना, ये जो हमें फोकस करना चाहिए कि आप हॉलैंड के खिलाफ तब तीन वनडे खेलते हैं, आप पूरी टीम को खिला देते हैं. आप अपनी बेंच स्ट्रेंथ को देते नहीं, मौका नहीं देते. जब आप इन चीज़ों को ख्याल नहीं रखते तो फिर आप कहाँ वर्ल्ड कप का सोच रहे हो. आप तो छोटे छोटे गोल्स का सोच रहे होते हो कि मेरा कितना स्कोर हो जाएगा, मेरियाँ कितनी विकटें हो जाएगी. शहीन के अंदर एक मैं खूबी बताऊँ आपको, अंडर 16 अंडर 19 से मैं इसके साथ कोचिंग कर रहा हूँ हाई परफॉर्मेंस में. ये बहुत पैशनेट लड़का है, ये बड़ी जान मार दे. मुझे कई दफ़ा डर लगता है मान से, मैं इसको कई एक दो दफ़ा बोला, मैं कहा शहीन कई दफ़ा ना आप इतनी जान ना मारा करो क्योंकि आपने अगला तीसरा स्पेल भी करना होगा, क्योंकि ये स्मार्ट चीज़ नहीं है. ये अपने आप को रखा करो एनर्जी. कई दफ़ा जो उसकी पेस 134-139-40 से एकदम 133 पे आती है ना, उससे तीन ओवर चार ओवर आप उसको देखा करो ऐसे पागलों की तरह ग्राउंड में भाग रहा होता है जैसे कि इसने ही सारा कुछ कर देना है. समटाइम यू सेव एनर्जी फॉर टू ओवर्स. जो दो ओवर आपने करने हैं वो उसको ये कौन समझाएगा उसको. कि जो बंदा एक्सपीरियंस होगा, जो इस थ्रू इस प्रोसेस से गुजरा होगा कि शहीन तेरी फील्डिंग चाहिए हमें, तेरा एटीट्यूड चाहिए, पर 9-2-3 ओवर में तेरी विकटें चाहिए, सीधा स्विंग होना है, नहीं होना बीच में मुझसे दो ओवर करवाने हैं, तू फाइन लेग से फाइन लेग जा, पानी शानी पी, क्योंकि वो जो 140 से 133 पे आ रहा है वो फिटनेस का कोई चक्कर नहीं है शाहीन का. वो जो फटीक हो रहा था स्प्रिंटे मार मार के उसकी वजह से आता है. मैंने इसको और आर एस रूफ दोनों को देखता हूँ, मिड ऑन और मिड ऑफ फील्डिंग करते हैं ये दोनों, और फिर स्प्रिंटे मार रहे होते हैं और इसका बॉलिंग. ये कप्तान ने भी ख्याल करना जाहिर है इस चीज का. आपने कभी शामी को देखा है? सराज को कभी देखा है कि वो डाई मारते हुए बाउंड्री? मुझे कई दफ़ा अल्लाह जानता है, आई प्रॉमिस टू यू, आई एम वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइज, मुझे कई दफ़ा ये डर लगता है ये जब बाउंड्री पर जो स्लाइडें मारते हैं तो इसके कहीं कोई इंजरी ना, बड़ी इंजरी ना हो जाए. बिल्कुल जिस तरह ये डाइये मारता ना, मारता भी बड़ी, बट आखिरी डाई के दौरान इंजरी हुई थी, फील्डिंग के दौरान. इतनी दफ़ा मैंने मना किया, मैंने कहा तुम्हारी हाइट लंबी है, लंबे आदमी और कहीं कुछ शोल्डर वगैरह ना हो जाए. आप ये शायद अब ये जो होती है ना, ये पीजे मिस साहब आप देखिएगा, आशा मामला, आशा साउथ अफ्रीकन का बेस्ट प्लेयर हुआ है ना, बिल्कुल एक टाइम पे उस सबसे ज्यादा स्कोर टॉप, उसका जो था ना फिटनेस टेस्ट और दूसरी टीमों का फिटनेस टेस्ट दूसरे लड़कों का डिफरेंट था. बिल्कुल जी, आपने उनको नहीं करना, ए बी डिविलियर्स को आपने फॉलो नहीं करना, आपको सिर्फ इतनी फिटनेस चाहिए कि आप स्लिप में 50 ओवर फील्डिंग कर लें. आपने इतनी फील्डिंग हमें दिखा, क्योंकि हॉर्सेस फॉर द कोर्सेज जब हम बात करते हैं ना, तो प्लेयर टू भी फिटनेस होनी चाहिए. एक बंदा आपको पंजा लगा के 100 करके रन देता है और वो थोड़ा बल्की है, आप उसको लीन कर दो और उसको पंजे से जाए, विकेटों से जाए. ये कई दफा स्मार्ट चीजें जो होती है ना, इसको द बिगेस्ट एग्जाम्पल हम इंडिया के मैच की बात कर रहे हैं, रोहित शर्मा है और विराट कोहली है, दे टू डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर्स, एक लीन है तो एक बल्कि है, दोनों डिफरेंट बीस्ट हैं. आप यू कैन नॉट से कि नहीं जी रोहित शर्मा विराट कोहली जैसे हो जाओ, सिक्स पैक ले आओ, वो ही कैन नॉट. नहीं, कल मैं देख रहा था दोनों डिफरेंट बीस्ट हैं. yes. वो अपने बल्ले से टीम को जिता रहा है, वो अपनी फिटनेस रनिंग बिटवीन विकेट से, वो अपना एक रोल मॉडल, दोनों दोनों रोल मॉडल बने. yes. ये इतना अच्छा है इनके पास है ना कि ये देखो एटीट्यूड कहते हैं ना, एज मेक यू थिंक, पैशन मेक यू यंग. बोथ ऑफ देम इफ यू हैव बोथ कंबाइन कर लो इनका, तो यू बिकम सक्सेसफुल. एक तरफ विराट कोहली जो खाना पीने पे फिटनेस पे कंप्रोमाइज नहीं करता, वो उस ड्रेसिंग रूम में बच्चे को एविडेंस मिल रहा है कि मैंने अगर विराट कोहली बनना है तो मुझे ये करना है. वो कह रहा है जी मैंने रोहित शर्मा बनना है तो मैंने मुझे ये स्कोर करना है, 150 करता है वो. वो ठीक है, उसका पेट नजर आ रहा है, आपके नजर सब कुछ आ रहा है आप, मैंने पर रोहित शर्मा फिर 150 करता है. तीन डबल सेंचुरियां उसकी वनडे में, बिल्कुल तीन
डबल सेंचुरियां 50 ओवर के मैचों में, किसी बंदे के लिए। फिर वो जो जो ड्रेसिंग रूम में बच्चा बैठा ना, ही हैज द ऑप्शन, आई कैन बी रोहित शर्मा बट आई हैव टू स्कोर 200 रन्स, आई कैन बी विराट कोहली, आई कैन रन बिटवीन द विकेट ऑल 50 ओवर्स एंड आई कैन फील लाइक अ टाइगर, सो व्हाट आई हैव टू डू, इट्स माय चॉइस। ये आपके पास एग्जांपल्स होनी चाहिए ड्रेसिंग रूम। बट देन कम्स दैट इशू जिसकी हम बार बार बात करते हैं, रिस्पेक्टिंग आवर सीनियर प्लेयर्स। अब मैं ये एक हमारे सामने हमारे सीनियर प्लेयर्स आप लोग बैठे हुए, अब वहाँ की हायरार्की की अगर हम बात करते हैं, वी हैव सीन रवि शास्त्री इन द सिस्टम, वी हैव सीन राहुल द्रविड़ इन द सिस्टम, वी हैव सीन सौरभ गांगुली इन द सिस्टम, ये वही ये आप लोग के साथ की एराज हैं। वहाँ क्या बेहतरी इस वजह से आ रही है दैट दी फॉर्मर क्रिकेटर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिली है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको हैंडल भी कर रहे हैं? देखिए इंडियन क्रिकेटर्स, लीग क्रिकेट हम बड़ी खेले उनके साथ, इंडियन क्रिकेटर्स का ये है कि ये हैंडल करते हैं एंड दे स्पीक टू ईच अदर, ओके, हमारे में ये लैक है। अब आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी ये इसकी शाहिन शाह की, जी ये एक एसेट है, इसको हम प्रिजर्व नहीं कर रहे, इसको हम मिसयूज कर रहे हैं। आपके जो फॉर्मर कैप्टन थे इमरान जी, ये और गाथ लरू ये पेयर्स में आउट करते थे, आर्नल्ड एंड स्नो पेयर्स में आउट करते थे। इसके पास अभी ऐसा वो नहीं है लड़का जो एक्चुअली दूसरे एंड से इसको सॉलिड सपोर्ट करे अफरीदी को, हाँ। वो कर जाता है, ठीक है आउट हो जाता होता है, बट कंसिस्टेंसी, इस मैच की बात कर लो, ये शामी उसको यादव मिल जाता है पीछे से, उसको सिराज मिल जाता है। तो जब आप इस पेयर के अंदर जाते हो तो एज अ बैट्समैन जब आप देखते हो यार नहीं वो ज्यादा अच्छी बॉलिंग कर रहा है, मैं इसको पकड़ूं, यहाँ वो आउट हो जाता है। बिल्कुल ये चीज जो होती है ये हमने ये टैक्टिक्स में हम नहीं रखते ही। बिल्कुल तो हमने हमारे पास इतना फास्ट बॉलर होता था यार मोहम्मद जायद, उसको जाया करके रख दिया उसको, और हमने किस किस को जाया नहीं किया, हमने सकलैन मुश्ताक की जाया किया, हमने उमर गुल को जाया किया, हमारे कितने बॉलर्स हैं जिनकी रिहैब खराब हुई है, जिनकी मेडिकल इश्यूज पे हमने उनको जाया कर दिया। मैं पब्लिकली कहता हूँ आज कि मोहम्मद जायद जब बीमार हुआ उसकी बैक खराब हुई, द बोर्ड डिड नथिंग फॉर हिम। आप इस जायद की बात कर रहे हैं, शाहीन के साथ क्या हुआ था जब इंग्लैंड गया था? Exactly. उसके पास तो डॉक्टर्स वगैरह नहीं थे, मैं पाकिस्तान से बैठ के मैं अरेंज कर रहा था, उसको तो ये पता ही नहीं था कि उसने रहना किधर है, खाना किधर है, कुछ नहीं पता, सब मैं पाकिस्तान से बैठ के कर रहा था। डॉक्टर ज़ैफ के पास उसको अरेंज करवाया मैंने, उसके साथ सारी ट्रीटमेंट वगैरह। फिर जब मैंने ये बयान दिया कि कौन सा तरीका प्लेयर के साथ, ठीक है ना, तो उसके बाद फिर क्रिकेट बोर्ड थोड़ा हिला है कि रमीज भाई ने फौरन एक्शन लेना शुरू कर दिया कि शाहीन किससे पूछ के गया और कौन ख्याल रख रहा है उसका। उसके बाद भी चीज़ें शायद यही चीज़ 2007 में ये जब टीम बन रही थी तो शुएब अनफिट हो गया, इसका नीका को प्रॉब्लम आ गया, नी का प्रॉब्लम आया, डॉक्टर नसीम ने सेंट हिम टू लंदन, लुक्ड आफ्टर हिज एक्सपेंसेस, और रजाक भी हो गया था ना इंजर, वहाँ रजाक तक यहाँ था, रजाक वो भी नहीं गया था। तो ये जब तक आपका देखो ना, हम बात करते हैं आपको कुछ सरप्रस्त तो होना यार। बिल्कुल और सही, जो चीज़ एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक एथलेटिक ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है रिकवरी एंड मेडिकल। क्या है हमारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मेडिकल डिपार्टमेंट की क्वालिफिकेशन और क्या है, क्या हमारे पास ऐसे लोग हैं कि नहीं है, कौन अभी पीछे रह गया है क्योंकि डॉक्टर ट्रैवल कर रहा है टीम के साथ। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो इस हवाले से भी डिस्कस करें। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल। और जनाब इस वक्त इट इज श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान, 64 रन जो है वो श्रीलंका बना चुकी है, 15th ओवर इज गोइंग ऑन राइट नाउ और एक विकेट का नुकसान हो चुका है। बट हम बात करें कल के मुकाबले के हवाले से, कल जिस तरह इंडिया ने चैलेंज किया इंग्लैंड को, दो कि इंग्लैंड इज डाउन एंड आउट, ये तो बिल्कुल सही बात है, मगर एक खतरे की घंटी जो इंग्लैंड के ऊपर अब घूम रही है, दैट इज वुड दे एंड इन टॉप एट और नॉट, बिकॉज वरना तो उनको चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफायर खेलना पड़ेगा। आई थिंक वो जितने के वो उनके एनालिस्ट स्मार्ट हैं, उनको पता है कि ये चीज़ आ सकती है। उनको नहीं पता था, उनके कोच का पोस्ट मैच में ये बयान आया कि जब मेरी टीम इनिंग खेलने गई है, मतलब जब मेरी टीम जो है वो बैटिंग करने गई है, उस इनिंग ब्रेक में इस बात का हमें पता चला दैट ओनली टॉप एट टीम्स
would qualify for Champions Trophy. अच्छा ये क्या smart चीज़ है? Although they made mistakes, blunder है ये. Yeah. ठीक है. Yeah. इसके बावजूद he didn't lie. Yes. सबसे बड़ी ये है कि उसने he didn't try Being to honest. Protect. Be honest. गलती मानी है. मानी है. हाँ. अब यही इसलिए सिस्टम चलते हैं. क्योंकि इसमें वो जब फेलियर आता है ना तो कहते हैं जी मैंने गंदी शॉट मारी और रेक्टिफिकेशन है अब एब्सोल्युटली वो कहते हैं ये एटलीस्ट इज ऑब्वियस बी नॉट एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रेक्टिफिकेशन एब्सोल्युटली अब वो जो इंग्लैंड का जो इस वक्त सिनेरियो हुआ ना आई थिंक आते ही थोड़ा सा ना वो मुझे लगे ओवर कॉन्फिडेंट थे जो उन्होंने टॉस जीत के दो तीन दफा कहना कि वी विल बैट सेकंड क्योंकि वो बैस बॉल क्रिकेट खेल रहे थे दे फॉरगॉट कि जी दिस इज नॉट लॉर्ड्स दिस इज नॉट ओल्ड ट्रैफर्ड दिस इज नॉट एजबेस्टन दिस इज इंडिया पिचेस वेयर द बॉल इज गोना स्टॉप अ बिट वेयर द बॉल इज गोना स्पिन अ बिट तो आपका जो मोमेंटम है वो शिफ्ट नहीं हो सकता जब तक आप इसको प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉटें नहीं मारोगे ऑन दी आप कंसिस्टेंटली नहीं लगेंगी क्योंकि वहाँ हल्का सा कल बॉल हिला है हल्का सा बॉल हिला है और ये हिलने वाली सिचुएशन से लोग आए हुए हैं बिकॉज लोगों को बहुत कम पता है कि पिछले 5 साल से 10 साल से जब आखिरी 2-3 साल मैं भी काउंटी क्रिकेट खेल रहा हूँ तो पिचें इतनी फ्लैट हो चुकी हैं इंग्लैंड की बल्कि ओवर स्पिन होना शुरू हो गई है वहाँ पे तो आप देखेंगे गोरे स्पिनरों को अच्छा खेलने लगे फास्ट बॉलरों को इतना अच्छा नहीं खेलते कौन से फास्ट बॉलर जिनका हल्का सा सीम होता है स्विंग होता है बिकॉज दे नॉट यूज टू इट एनी मोर बट वशी भाई एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है पूछना कल बहुत ड्यू थी कल बार बार जो है ब्रॉडकास्टर्स भी दिखा रहे थे वो बगी कैम को दिखा रहे थे कि उसके व्हील पे कितनी ड्यू है बाकायदा आपको पानी दिख रहा था उसके बावजूद कुलदीप यादव वॉट इज ही डूइंग डिफरेंट देन द अदर स्पिनर्स वॉट इज ही हाउ इज ही क्रिएटिंग सो मच इम्पैक्ट वाइल द ड्यू इज इवन देयर हम तो कहते हैं नलिफाई हो जाता है No, I think credit goes to him. I think उसका जो कॉन्फिडेंस इस वक्त है ना वो बहुत हाई लेवल पे है जिस स्पिनर का जो रिस्ट स्पिनर ना शायद भी मतलब खेला हुआ है इसके माशाल्लाह स्टैट्स स्पीक्स देमसेल्फ कि जिसने 400 विकेट ऑलमोस्ट वनडे में लिए अगर हम विकेट भी देख सके साथ साथ जो कुलदीप एक स्पेशल विकेट है जो कि मतलब स्पेशल या बॉल ऑफ द टूर्नामेंट इसको हम कह सकते हैं बॉल चेक कीजिएगा बटलर की विकेट जो है वो उस बॉल का नाम बाबर बॉल रखने वाला है क्योंकि बाबर को भी उन्होंने 2 दफा उसी में आउट किया 2019 के वर्ल्ड कप में अब ये एक देखे ना क्या जबरदस्त अच्छा जो आपने वेट बॉल की बात की ना आप ये याद रखिए कि जो इन ऐसी पिचे जो होती है ना जो ड्राई पिचे होती है और उसके ऊपर आप बॉल को खुश करके जब आप करते हो ना तो जो ये मॉइस्चर होता है ना शाम का ये पिचों को और भी स्पिन करने में मदद देता है क्योंकि वो आपको देखे ना ये क्या बॉल हुआ है 22 गेंदे खेल चुका है ऐसा भी नहीं नया आया है आप बॉल की रिव्स देखें ये रिव्स देखें देखो एक तो आपको बिल्कुल ड्राई करना है बॉल और ये जो आप स्पिन देख रहे हो ये इधर से आती है इधर से हाँ। तो आप देखो कितना उसका वैसे बॉल है स्पिन स्पिन इधर से बॉल वो रख के ये ले मुशी भाई दिखाएं प्लीज आगे करें जरा फोकस ये जो पीजे नी साहब ने और ये हम कर रहे हैं ना ये देखिएगा कि बॉल खुश करने के बाद आप देखेंगे फिर सब टॉवल्स आ जाते हैं अब ये जो है ना इस ये रिस्ट स्पिनर है इसने थोड़ा सा हाथ इधर करें क्योंकि आपकी दाढ़ी पे आ रहे हैं तो पीछे वाइट है स्क्रीन और ब्लैक स्क्रीन ऐसे कर दें ब्लैक दाढ़ी से थोड़ा सा इधर करें रेड बॉल दे दो ऐसा तो कंपनी का आदमी देखो ये ले नहीं नहीं ठीक है अब ये शायद ये देखो ना आप ये आपका जो ये बॉल है ना अब आपने जो देखा ये यहाँ से स्पिन हुआ है ज्यादा ये ठीक है अब लोगों को पता है ना कि जैसे ही आपने ये बॉल किया है ना आप इसका हाथ देखिएगा इसका आर्म थोड़ा ऊपर नहीं गया इसका आर्म लो है इफ अ प्रोड्यूसर कैन शो अस द अगेन प्लीज इसका ना आप देखिएगा कि इस बॉल के ऊपर ना इसका आर्म जो है ना वो नीचे गया है ज्यादा ऊपर से नहीं गया यहाँ से का मतलब है कि इसको पता था कि मैंने अपना रिस्ट मारना है पूरा और इसका पूरा रिस्ट लगा जिसकी वजह से आप देखें स्पिन इसका कितना ज्यादा हुआ है अब ये होता है छोटा सा जो हम बार बार बात करते हैं ना कि सम टाइम लिटिल थिंग्स एंगल्स ऑफ स्पिन बॉलिंग ये सीखने पड़ते हैं ये आर्ट आना पड़ता है कि कब शायद अपना मिडिल से बॉलिंग कर रहा है कब उसने रिस्ट मारना है कब नहीं मारना ऑनेस्टली स्पीकिंग हमें ये पता चल गया था कि हमने ड्रिफ्ट बॉल कब करना है और जब ड्रिफ्ट नहीं करना तब क्या करना है इतना बंदे को अपनी गेम बल्लेबाज इसको कैसे लाला काउंटर करते हैं क्योंकि बाबर भी इसी तरह की इसी बॉल पर आउट हुए थे जिसको अभी सवेरा कह रही है कि बाबर बॉल इसका नाम देने लगे हैं 2019 से ही आगे से फ्रंट फुट पे आउट हुआ था बैक फुट पे आउट हुआ बाबर फ्रंट फुट पे आउट हुआ था देखिए अच्छा है कॉन्फिडेंस जिस तरह मुशी भाई ने कहा कि कॉन्फिडेंस के साथ वो बॉलिंग कर रहा है पीछे परफॉर्मेंसेज है तो एक प्लेयर जो है जिसको आप कप्तान की तरफ से मैनेजमेंट की तरफ से उसके रोल का पता है कि आपका रोल कितना इंपॉर्टेंट है और उस लड़की को खुद भी पता है कि इस वर्ल्ड कप में मेरा रोल कितना इंपॉर्टेंट है और पिचेज है यहाँ पे जहाँ पे मुझे डिलीवर करना चाहिए
कर रहे हैं उस कॉन्फिडेंस के बैटर कैसे इस बॉल को काउंटर कर दिखा रहे हैं बैटर आप अगर बताना चाहें कि बैटर कैसे थोड़ा सा वेट करके बैटर कैसे काउंटर करें इस बॉल को कर सकता है ये तो कोई भी बैट्समैन हो ये तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा टर्न हुआ है टर्न होते हैं लेकिन इतना बड़ा टर्न होना वो भी जिस तरह कह रहे हैं कि बॉल गीला हो रहा है तो बेस्ट आपके पास क्या है या बैटिंग कर इस तरह का बॉल हो और ये करके ये लाला का पेट अच्छा वैसे ये क्योंकि या इधर हो ये या पांव रख के टर्न के साथ तो भाई आपने ये शायद बात कर रहे हैं ना ये तो इसका माइंडसेट है ना कि द बेस्ट डिफेंस इज बेस्ट अटैक ये बिल्कुल ठीक बिल्कुल अब इसको टैक्टिकल जो क्वेश्चन है ना मैं लेट मी टेल यू यू प्ले फॉर ओनली वन स्पिन बिकॉज हिज हैंड वेरी डिफिकल्ट टू रीड आप दो स्पिन को नहीं खेल सकते फिर इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द हैंड आपने कहना कि बटलर को अगर मैं कोच हूं तो उसको मैं क्या कहता अगर ये मैं कहना हूं आपने इसको कहना है कि जी आपने सिर्फ अंदर वाले बॉल के लिए तैयार रहना जब आप अंदर वाले बॉल के लिए तैयार रहते ना अब ये पीछे गिरा हुआ था ना बॉल अगर अंदर वाली बॉल के लिए तैयार रहता तो इसका बल्ला इसलिए आराम से रोक लेना था बिकॉज ही वॉज वरीड अबाउट द रोंगन तो ये श्योर नहीं था कि कट मारनी है कि बैक फुट में क्या करना है तो आप इसका बैट देखिएगा इसका बैट हवा में था अब ये कट मारने जा रहा था अब वहां से बॉल स्पिन हुआ तो बीच के अंदर आ गया अगर इसने माइंड सेट बनाया होता ना कि मैं इसका हाथ रीड नहीं कर सकता तो मैंने सिर्फ अंदर वाले बॉल को खेलना है तो ये इसको आराम से मैनेज कर सकता बिल्कुल बिल्कुल और जो है मतलब वैसे लाला वैसे मुश्किल इतना बड़ा टर्न तो मैंने वर्ल्ड कप की किसी मैच में भी स्पिन बिल्कुल नहीं देखा तो कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा ड्यू के साथ उसने इतना एक दफा अगर हम साथ-साथ ये देख सकते हैं वैसे जब ड्यू की बात वो कर रहे हैं क्या रिस्ट स्पिनर के ऊपर कम इफेक्ट होता है ड्यू का बिकॉज ऑब्वियसली ही इज वर्किंग विद द रिस्ट दैट इज क्रिएटिंग दैट टर्न तो क्या मुश्किल ने जिस तरह की बात की कि वहां के अगर बॉल गीला भी होता है तो वहां की पिचेस ऐसी हैं कि स्पिनर्स को सपोर्ट कर देती है अगर आप उसको सीम को ड्राई कर रहे हो देख रहे थे क्या उसको हर बॉल के बाद ड्राई विराट वगैरह सारे कर रहे थे तो ग्रिप जब सीम पे पड़ता है ना बॉल देन वो हेल्प करता है टर्न करने में अगर पेट पे पड़ेगा तो स्किट कर जाता है बॉल इतना टर्न नहीं होता तो मेरे ख्याल में आप ये तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉल था यार इतना टर्न एक चीज क्योंकि आप अपने प्लेइंग डेज में ये करते हुए दिखे अभी कल हमने फिर एक चीज देखी कि अगर तो आपने बैटिंग में रन्स नहीं बनाए या चले बॉलिंग में भी नहीं कुछ अच्छा हुआ कोई विकेट नहीं ली तो आपने एक ऐसा कैच ले लिया जिसने पूरी टीम को वापस खड़ा कर दिया कल विराट कोहली गोल्डन डक पे आउट होते हैं मगर गोल्डन डक पे आउट होने के बाद द एनर्जी इन द फील्ड मतलब विकेट बॉलर ले रहा था और विराट कोहली भाग रहे थे माइल ही माइल द एक सीनियर प्लेयर की एनर्जी इन द फील्ड कितनी इंपॉर्टेंट होती है उस पूरी टीम को उठाने के लिए स्पेशली सीनियर प्लेयर जिसकी परफॉर्मेंस ना हो और उसके बावजूद उसने पूरा माहौल उठाया हुआ इर्द गिर्द मसला क्या है एक तो ठीक है विराट बड़ा प्लेयर परफॉर्मेंसेज है नई भी होती परफॉर्मेंसेज एक बहुत बुरे पैच पे से वो लड़का गुजरा है ठीक है लेकिन वो ये चीज दिखा रहा है कि मैं अपनी क्रिकेट एंजॉय कर रहा हूँ मैं एंजॉय करूंगा तो मेरा जूनियर भी मुझे देख के उठेगा और वो भी एंजॉय करेगा माहौल को बना के रखेगा तो सीनियर्स प्लेयर की तो वैसे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है और जब सीनियर्स के साथ जब वो जूनियर के ऊपर हाथ रखता है ना तो जूनियर भी कॉन्फिडेंट फील करता है इट्स अ टीम गेम कोई टेनिस टेबल टेनिस तो नहीं है ना सिंगल वन तो ये हर बंदे का रोल जो बेंच पे बैठे हैं उनका भी वही इंपॉर्टेंट रोल है जो प्लेयर खेल रहा है ग्राउंड के अंदर तो सीनियर की जिम्मेदारी कप्तान की जिम्मेदारी सारे प्लेयर्स के साथ इस वक्त इंडियन जो प्लेयर्स है वो हर प्लेयर एंजॉय कर रहा है अपनी परफॉर्मेंसेस एंजॉय कर रहा है एज अ टीम परफॉर्मेंसेस एंजॉय कर रहे हैं अच्छा परफॉर्म करते फैंस भी एंजॉय कर रहे हैं एग्जैक्टली बट कितने मजे की बात है पीजे मीर साहब हम कहते हैं माहौल अच्छा ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा थोड़े साल हम पीछे चले जाते हैं विराट कोहली वॉज द कैप्टन एंड वॉट एवर कॉन्ट्रोवर्सी दैट हैपेंड ऑब्वियसली सारी बात वो आती थी कि नहीं जी ये रोहित एंड कंपनी है रोहित शर्मा का जो एक प्लान है वो चाहता है कि अब रोहित शर्मा कप्तान बन जाए जो सारा कुछ हुआ कैप्टनसी से हटाया गया सौरव गांगुली एक अलग बयान विराट कोहली एक अलग बयान नाउ लुकिंग एट देम टुगेदर होंगे मसले पता नहीं अंदर होंगे मसले नहीं होंगे बट ऑन द फील्ड यू कैन नेवर गेस एंड यू कैन नेवर सी के इश्यूज हैं द काइंड ऑफ सपोर्ट दैट ही गिव्स इन द ग्राउंड फॉर रोहित शर्मा मतलब समझ नहीं आता कि क्या अपने सारी रिफ्ट्स बाहर रखकर आते हैं मैदान से हम अगर आज इस टीम को अगर आप गेज करो इन कंपैरिजन टू द अदर टीम्स ये मेरी नज़र में बहुत वेल नेटेड टीम है और जो आपने बात की है कि ये सपोर्ट एक दूसरे को करते हैं यही सपोर्ट तो इंडिया को जिता रहा है यही वेल नेट आज देखो ना आप व्हाट इज 250 इट्स नथिंग 229 इट्स नथिंग और आज एक अच्छी नेटेड टीम और मैं समझता हूँ जो बुमराह ने आज गेंद की है ना उसने जो मूव इतना नहीं हो रहा जो उसने एक्चुअली मूव किया है जी एंड ही वाज मेकिंग इट यू नो वेरी डिफिकल्ट फॉर द बॉलर्स ये अंग्रेज तो खेलता ही स्पिन को है उसको सीम को है ना
सीम या स्वर्व कर जाए, लेकिन इसने जो आज इन्होंने जो बॉलिंग की है, जो इन्होंने कल जो बॉलिंग की थी इन्होंने, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग. कल आई थिंक ये थोड़े बायस थे मुश्ताक, बिकॉज इन्होंने उनको ट्रेन भी किया हुआ है, उनको सिखाया भी हुआ है, तो मैंने शायद ये नहीं, बट देखिए टारगेट इतना कम था कि आप ये यहाँ से, आपको था कि शायद दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट इंडिया बैटेड इन दिस वर्ल्ड कप, मे बी वहाँ पकड़ लेंगे, इनको चेस करते हुए जीत रहे हैं मुसलसल, इसलिए इंग्लैंड पकड़ लेगा मे बी. खुशी भाई दिस वाज द थॉट प्रोसेस. नहीं सवेरा देखें, याद रखें कि अगर आपने 100 किए हैं ना, 100 बनाने भी हैं, बिल्कुल आप उसी प्रेशर से खेलते हो. 300 होगा वो कुछ ज्यादा बढ़ जाता है, बार-बार बढ़ जाता है, लेकिन 200 इज अ गुड स्कोर टू डिफेंड. आई थिंक जो आपने क्वेश्चन किया ना, इस पिच के ऊपर आपने देखा कि बहुत मुश्किल पिच थी, आसान पिच नहीं थी. अच्छा क्या होता है कि बड़ी टीमें, बड़े प्लेयर क्या करते हैं, वो अपने आप को ना एकदम चेंज करते हैं. ये हम कहते हैं ना कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन ये भी, यहाँ पे हमने 50 ओवर खेलने हैं, बैस बॉल क्रिकेट नहीं चलनी, यहाँ पे ऑफ स्टंप वाला गेंद छोड़ना है, आप टेस्ट वाली बैटिंग करो. बॉलर जब आप 2 ओवर आप चांस नहीं लेते एज ए बैट्समैन, बीइंग ए स्पिनर, बीइंग ए बॉलर, आपको हम अपने माइंडसेट बताते हैं, आप चिलाकी करने की कोशिश करते हो कि यार ये बल्ला नहीं खोल रहा, इसको मुंह से गुगली करता हूँ, ठा करके चौका. आप मैजिक बॉल करने की कोशिश करते हो, ठा करके सिंगल या चौका. आप चांस नहीं लेते, 220 के चांस लेने की जरूरत ही नहीं है आपको. बिल्कुल. ये क्या कर रहे थे, ये बैस बॉल दूर दूर से खेल रहे हैं, जब इतना स्विंग और सीम हो रहा है, आप दूर दूर से ऑन दी आप खेल रहे हैं, तो क्रिकेट है ये कोई मजाक थोड़ी है कि जी आपकी स्लिपें नहीं लगनी. आप बेन स्टोक्स की विकेट जिस तरह हासिल की है मोहम्मद शमी ने और जसप्रीत बुमराह ने, दोनों ने मिलकर, वो कहते हैं ना कि जब नहीं आप शिकार पे गए हुए होते हैं और आप यूं करके दोनों तरफ ट्रैप किया गया, ट्रैप किया गया. मोहम्मद शमी अपना एक ओवर करते हैं विच वॉज द 6th ओवर, जहाँ पे 4 डॉट बॉल्स होती हैं. उसके बाद बुमराह आते हैं जो कि एक मेडन ओवर करके जाते हैं, एंड शमी कम्स बैक, 5 बॉलें डॉट करते हैं और छठी पे विकेट ले जाते हैं. 15 डॉट बॉल्स बिफोर ऑन द 16th ही गेट्स आउट. तो सबसे बड़ी क्वालिटी क्लैपिंग पता क्यों जानी चाहिए, उन्होंने मैजिक बॉल करने की कोशिश ही नहीं की, उन्होंने अपना एरिया छोड़ा ही नहीं. बिल्कुल. ये जो हम शायद इफ यू रिमेंबर, यू रिमेंबर यू नो एशिया कप में हम बात कर रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं, ये अपनी लाइन से नहीं हट रही, नहीं हटते. Stick to the basics. हाँ वही है ना, आप बैट्समैन चांस, भाई बैट्समैन चांस लो ना, पीछे अच्छी है, मैं तो लाइन नहीं छोड़ रहा, आके आप चांस लो पीछे. ये स्टोक्स की विकेट हम साथ दिखा रहे हैं, ये शमी ने ट्रैप किया और उसके बाद आप डॉट बॉल्स देखे नीचे, लास्ट 12 बॉल्स और स्टोक्स इतना प्रेशर डाल दिया बैट्समैन को डॉट बॉल कर करके. शुरू में अगर आपको याद है मैं बात करता था कि डॉट बॉल करते रहो करते रहो, प्रेशर आ जाता है बैट्समैन को. लाला ये कहिएगा एक बात कि इस इंडियन टीम को इस वर्ल्ड कप में कौन सी टीम हरा सकती है, इस टीम को कौन हरा सकती है, इंडिया खुद ही हरा सकती है. मुझे अगर किसी से उम्मीद है तो साउथ अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका, वो भी अगर साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करे, पहले बैटिंग करे. अच्छा मुशी भाई हम लास्ट कमेंट, बस जो लास्ट विकेट के लिए इंडिया ने कल किया, हमने वक्त खत्म हो गया हमारे पास, बिल्कुल वक्त खत्म हो गया. इस सवाल का जवाब आपसे 5 बजे लूंगा. जबरदस्त डिस्कशन, एक बहुत मजे की डिस्कशन, वी हैव हैंडल्ड एवरी डिस्कशन, बट यस अब फोकस हमारा होगा क्योंकि कल जो है फिर से टीम पाकिस्तान हमें एक्शन में दिखेगी और ऑब्वियसली टीम पाकिस्तान के हवाले से हमारी डिस्कशन होगी. क्या कर सकती है टीम पाकिस्तान, कैसा खेल सामने आएगा, क्या टीम पाकिस्तान बांग्लादेश को हैंडल कर सकेगी कोलकाता के मकाम पर कि नहीं, बिकॉज बांग्लादेश इज डाउन एंड आउट, बट हमारे खिलाफ पता नहीं कैसे फॉर्म आ जाती है सारी टीम्स की. वक्त यहाँ पे खत्म हो गया है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. इंशाल्लाह 5 बजे फिर आपसे मिलेंगे और फिर होगी यहाँ पे जबरदस्त डिस्कशन. टेक केयर, बाय बाय.